एक्सरसाइज 2.3 क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। देखिए उसने भी रिलेशन से स्टार्ट किया कि आपको रिलेशन गिवन है और आपको फंक्शन प्रूव करना है। ये एक सिस्टम है, एक चेन है, ठीक है। गिव रीजंस, रीजंस भी बताना है और उसका डोमेन एज वेल एज रेंज भी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2.1, 5.1, 8.1, ये ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है बेटा, 11.1, 14.1, 17.1, ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। ये आपको एक रिलेशन गिवन है, वो कहता है कि बताइए क्या ये गिवन जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है, अगर है तो उसका रीजन बताना है, फिर उसका डोमेन एज वेल एज रेंज भी आपको बताना है, ठीक है। यस, द गिवन रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, फंक्शन तो है बट वो कहता है गिव रीजंस। अब जब आप डेफिनेशन पे जाओगे, फंक्शन का डेफिनेशन जब आप देखोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इन अदर वर्ड्स के बारे में बताया था और वहां पे हमारे पास जो एंडिंग लाइन थी वो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, कि दो अलग अलग ऑर्डर पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आप क्या देखोगे, ये ऑर्डर पेयर है 2.1, फिर 5.1, 8.1, 11, इसमें आप क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट एंट्री है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ अ डिस्टिंक्ट, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर पेयर्स आर देयर। तो वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या देखोगे कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, अलग है, सेम नहीं है। ऑल द ऑर्डर पेयर All the ordered pairs have different first element. अगर हम इसकी बात करें अब डोमेन की, डोमेन को याद रखना, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। एंड रेंज, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये बेटा हमारे पास देखिए, अब इस क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट की क्लैरिटी है। अगर आप वो अच्छे ढंग से कर पाते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यस, डोमेन एज वेल एज रेंज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसके दो पार्ट्स और हैं, वो आप खुद करेंगे बेटा जी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपको डोमेन एज वेल एज रेंज बताना है ऑफ गिवन रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड पार्ट आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपको गिवन है, ठीक है बेटा। इसका डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, ये आपको रियल फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब क्या है, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, ये जो एफ एक्स गिवन फंक्शन है ये किस कंडीशन में डिफाइन होता है, फॉर द रियल नंबर व्हेन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही होगा। अगर ये वाला फंक्शन, ठीक है, ग्रेटर देन द इक्वल टू जीरो है तभी वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, रूट
जो स्क्वेयर रूट है ऑफ नेगेटिव, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो विच विल इंप्लाइज, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 9, जो एक्स स्क्वेयर मतलब कि स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, वो या तो 9 के इक्वल आए या 9 से लेस आए। तो वो किस कंडीशन में हो सकती है, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, जब एक्स की वैल्यू 3 से लेस होगी या इक्वल टू होगी, और ठीक है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसको हम अब इस रेंज में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 3 मतलब कि 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये वाली कंडीशंस है। या अब आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो, इससे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसके फैक्टर कीजिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहां पे ना समझ में आए बेटा, तो आप यहां पे चले जाना, इस कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। यहां से आप क्या करोगे, 3 इज दिस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, वही का वही बन गया जो आपको बनाया यहां पे इधर बताया। ये समझ में नहीं आता ना ये कंसेप्ट, तो आप इस इजी मोड पे चले आना, ठीक है। नहीं तो यहां से भी आना चाहिए कि जो एक्स स्क्वेयर है लेस देन इक्वल टू 9, वो किस कंडीशन में, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहां से नहीं आता, लीव इट, छोड़ दो इसको, यहां पे आइए, ये तो इजी है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आता है डोमेन, डोमेन डोमेन ऑफ एफ एक्स। वो क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है, वो क्या है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारे पास आता है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, आपको ये याद रखना है बेटा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल, ठीक है, ओके। डोमेन का मतलब होता है बेटा कि द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, या मैं ऐसे कहूं कि जो भैया इनपुट हमने प्रोवाइड किया है किसी रिलेशन में, ठीक है, या पैसे लिख दीजिए इज इक्वल टू एक्स दिस। रेंज, व्हाट अबाउट रेंज, अब रेंज बताना है, तो रेंज कैसे बताने का है हमें बेटा, ठीक है, क्या कीजिए, लेट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इसको y के इक्वल पुट कीजिए, तो आप क्या करोगे, आप माइनस एक्स स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू y माइनस 9, तो एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 9 माइनस y, तो x विल बी इक्वल टू 9 माइनस y। अब फिर वही कंडीशंस पे हम आ गए बेटा, ठीक है, हमारे पास फंक्शन है एक्चुअल में ये, तो इसको ऐसे कीजिए बेटा, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो दिस दिस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, ठीक है बेटा। अब दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ये जो चीज़ है, अब क्योंकि वो रियल फंक्शन है, तो ये किस कब डिफाइन होगा, ठीक है, दिस इज डिफाइंड ओनली 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज डिफाइंड, तभी डिफाइन होगा जब ये होगा। सेम कंडीशन अब यहां पे आ गई राजे, तो आपके पास क्या बनेगा, आपको उस मेथड से ही करना है बेटा जी,
अब ये यहाँ पे भी सेम कंडीशन तो आई विज जैसी, बट अब यहाँ पे अभी हमने इसको वेरीफाई करना है कि हमारे पास इसमें से दोनों वैल्यूज ही रेंज के लिए जस्टिफाइड हैं या नहीं, ठीक है, हम उसको चेक करेंगे। अब क्या है हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब ये -3 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, x की वैल्यू माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू दिस, हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है, सपोज करो आपने वैल्यू पुट किया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आपने 4 पुट किया, ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है बेटा कि हम रियल फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास रियल फंक्शन है और ये जो चीज़ है, ये जो हमने रेंज के लिए उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं हम रेंज को, कि अगर हमारे पास जो स्क्वायर रूट लेने पर जो हमारे पास जो 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 स्क्वायर वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास क्या आती है कि इन रियल नंबर स्क्वेयर्ड वैल्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव में उसका रिजल्टेंट नहीं आता बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो वाई का नेगेटिव वैल्यू है वो तो हम नॉट एलिजिबल है यहाँ पे, तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 3, तो रेंज गिवन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या बनने वाला है बेटा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो नेगेटिव पे जाने का भी नहीं है बेटा हमें, ठीक है। तो ये जो रेंज है आपके पास इस उसमें रहने वाली है, जो रेंज इवैल्यूएशन है, जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है बेटा। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, रेंज वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करवाया गया है ताकि आप अच्छे ढंग से इसका कंसेप्ट समझ पाएं, ज़्यादा ही कुछ डिटेल हो गया है इसका, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। उसने हमें ये कंडीशंस हमारे लिए लगाई हैं कि एफ एक्स आपको ये फंक्शन गिवन है, x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है बट x क्या है 0 से बड़े वाला है, ठीक है। तो जब आप रेंज फाइंड करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट किया बेटा, तो आपके पास क्या बना दिस इज इक्वल टू 3x, तो आपके पास क्या बना x इज इक्वल टू 2 - y/3। अब वो हमें बोल रहा है, हमें कंडीशन में दे रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है बेटा, बट x इज ग्रेटर देन 0 ये गिवन है, तो यहां से क्या हुआ 2 - y/3 दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि 2 - y > 0 मतलब क्या हुआ कि 2 इज दिस, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं कि ये आपको ध्यान से समझना है कि जब आप रेंज का कंसेप्ट करते हो तो आपको क्या करना है, जो गिवन फंक्शन उसको y के इक्वल पुट किया, जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाल ली, देखो हमने क्या किया, उसको y के इक्वल पुट किया और x को निकाला, x को इवैल्यूएट किया इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू अब वो उसने हमें दे रखा है कि 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू होने वाली 2 - y > दिस। तो अगर हम y को उधर शिफ्ट करते हैं इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास या हम y को इवैल्यूएट करें
तो दिस ये जो हमारे पास आया है लेस देन टू, अब जो रेंज हमारे पास आया है वो क्या है, लेस देन टू, लेस देन टू का मतलब क्या है, टू से लेस वाला वन वन जीरो एंड दिस 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 एंड सो ऑन, इट मीन्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करना हमने सीखा हुआ है। ये हम उसका बताएंगे, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा आपका प्रोसीजर है कि आपको रेंज बताने के टाइम में क्या करना है, जो फंक्शन उसको वाई के इक्वल पुट कर दो, एक्स जो वेरिएबल जो फंक्शन एक्स है उसको इन टर्म्स ऑफ वाई इवैल्यूएट करो, तब आप सॉल्व कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट है वो उसमें स्क्वेयर आता है, वो भी मैं कराता हूं एक क्वेश्चन और। मेरे पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो जब हम रेंज को इवैल्यूएट करते हैं दैट इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू वाई माइनस टू, तो एक्स मेरे पास क्या हुआ दिस। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारे पास है इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा, If y माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी तो है बेटा। तो हमारे पास क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो रेंज क्या आया हमारे पास बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, टू के बराबर है दिस, यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। पहले मैं इसका आंसर दोनों का चेक कर लूं, माइनस इन्फिनिटी टू 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 टू, ठीक है, ओके बेटा। अब बच्चे हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं मिसलेनियस, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पहले कीजिए, वो कहता है इफ एफ एक्स, फंक्शन हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वेयर, उसके बाद उसने हमें बोला फंक्शन हो एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 ओवर 1.1 माइनस 1, ये आपको इवैल्यूएट करना है बेटे, ठीक है। अब देखिए बेटा एफ ऑफ 1, 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1.1, 1.1 का स्क्वेयर मतलब कि 11 का स्क्वेयर वैल्यू 1 टू 1 होता है, तो आप यहां से इसका डेसिमल ऐसे, अब आपको करना है इसको इवैल्यूएट, f ऑफ दिस इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.21 माइनस 1.00 ओवर 1.1 माइनस 1.0, तो यहां से आप जब आप क्या करोगे दिस 0.1 इनको इवैल्यूएट कर दो और आपको 1, 2, 3, 4 आता है, 1 × 4 2 × 3, इट मींस 2.1, ठीक है, 1 × 4 2 × 3, ये आपको फॉर्मूला आता होगा, लोअर स्टैंडर्ड में भी सिखाया जाता है बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन बताइए, डोमेन का मतलब क्या है, मैथमेटिकली तो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट है ऑर्डर्ड पेयर के, बट अगर हम बिल्कुल स्मार्ट वर्क करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने क्या करना है, कि हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है,
क्या इनपुट प्रोवाइड करवा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। जो फंक्शन एफ एक्स वो क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स माइनस ट्वेल्व। ये है आपके पास, इसका डोमेन बताना है, रेंज नहीं है बेटा यहाँ पे, डोमेन। जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर का या रैशनल फंक्शन का, तो उसमें क्या, आपको कल वर्बली ही बताया था मैंने, जस्ट मैंने बोल ही दिया था कि हमारे पास जो रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है, डिनोमिनेट एफ एक्स ओवर जी एक्स, जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर का जो केस है वो जीरो नहीं है, ये तभी डिफाइन रहेगा, ये फंक्शन उस केस में ही डिफाइन रहेगा, या हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड इफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसके जब हम फैक्टर करेंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू टू नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू फोर नहीं हो सकती, तो जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, वो क्या होंगे, अब एक्स होगा सारे के सारे जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, बट एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, टू नहीं हो सकती, और एक्स की वैल्यू सिक्स नहीं हो सकती, इनको कैंसिल कर देना, ठीक है, या हम ऐसे कहें कि एक्स इज इक्वल माइनस कर दो आप, x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है, ठीक है, बट x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और 6 नहीं हो सकती, माइनस किया ना मैंने, माइनस x इज इक्वल टू 2 ये हमें नहीं लेना है, x इज इक्वल टू 6 ये हमें नहीं लेना है, ठीक है, या ये नहीं होगी, मैं को एक बार चेक कर लेने दो, इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 6 एंड 2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स। अब दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इसका डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है, एफ एक्स इज डिफाइंड, ऐसा क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव फंक्शन है तो वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो हमारे पास डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ, ये डी फॉर डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स, द गिवन पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स, जनरल की बात नहीं कर, जो हमें गिवन है, ठीक है, तो वो क्या कहता है, एक्स के से बड़ा है या एक्स के इक्वल, वन के इक्वल है, वन टू इन्फिनिटी, ये देखिए, पहले मैं उसको डोमेन चेक कर लेने दो, जो रिजल्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, ठीक है, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू दिस, तो इस तरीके से जब आप चलते जाओगे तो आपके पास क्या है, आप जीरो वन टू थ्री आगे ही बढ़ते रहोगे, तो आपके पास इस तरीके से रेंज क्या आने वाला है वो और भी आसान आ हो गया बेटा, आपका है जीरो टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो, ये आसान है, इसको आप छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं करना है ना तो इसको आप छोड़ ही सकते हो, ये उससे भी आसान है बेटा, ठीक है, कि आपके पास पर्टिकुलर डोमेन है, उस पर्टिकुलर डोमेन की दो वैल्यूज आपने पुट किए, आपको एक कंक्लूजन मिल गया कि आप किस तरफ अप्रोच कर रहे हो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है जी, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एक मॉडुलस फंक्शन गिवन है, वो खुद कीजिए बेटा, सेवंथ भी खुद कीजिए,
मैं आपको 8th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। कहता है एफ 1.1 2.3 0.-1 एंड -1.-3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड एज एफ एक्स डिफाइंड बाई दिस फंक्शन वेयर ए एंड बी दैट बिलोंग टू इंटीजर ए एंड बी आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन डिफाइन हुआ था, उससे आपने एक ये फंक्शन आपको इवैल्यूएट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर आपके पास अवेलेबल है, ए और बी क्या आपके पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं और ए और बी ही हमें इवैल्यूएट करना फाइंड करना है ए एंड बी। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन क्या है आपके पास, दिस जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपके पास वाई आता है, मतलब कि उसका आउटपुट आता है, मतलब उसका सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर आपके पास आता है बेटा, मतलब कि वाई आता है, तो एफ एक्स दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, आपने जब एक्स की वैल्यू को क्या पुट किया, इसको इस ऑर्डर पेयर को मैं कंसिडर कर रहा हूं, When we put the value of x is equal to 1, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y का रिजल्ट, y जो रिजल्ट है वो मेरे पास 1 आया, वैल्यू ऑफ दिस, तो मेरे पास यहाँ से क्या आया a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप किसी एक इसको पुट कर लीजिए, इसको क्यों पुट करना है, इससे भी आ जाएगा, इससे भी जिससे मर्जी करो आ जाएगा, यहाँ से क्यों आसानी से आ जाएगा, क्योंकि सीधा जो a है वो 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो इससे भी कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। 3 मैं इससे कर रहा हूँ, अब 3 वाई को हमने एंड एफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट किया, 2 इंटू ए एंड प्लस बी, ठीक है, विच विल इम्प्लाइज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, माइनस ए इज इक्वल टू -2, ए की वैल्यू आ गई 2, अब ए की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कीजिए बेटा, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी विल बी 2, बी इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, तो आपने 8th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है राजे, क्वेश्चन नंबर 9th इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है, एंड 4th इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब मूव करता हूं मैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो हमें कहता है, पूछ रहा है हमसे कि आर द फॉलोइंग ट्रू, फर्स्ट वो कहता है क्या ये ऑर्डर पेयर इससे बिलोंग करता है इस रिलेशन से, सेकंड उसने बोला हमें कि ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग करता है तो इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, थर्ड उसने हमसे पूछा इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बी कोमा सी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये सारी बातें हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है बेटा, सबसे पहले वो कहता है कि क्या आइडेंटिटी, ठीक है,
ठीक है, यही है ना आइडेंटिटी डबलेट जिसमें बोला है कि वन 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 ये इस फंक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, ये वाला जो केस है यही उसने पूछा कि क्या वो ट्रू है। फिर उसने बोला कि ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग करता है, इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि बी कोमा ए भी आर से बिलोंग करता है, ये भी बताना है कि ट्रू है या नहीं है। और सिमिलरली हम थर्ड केस, फर्स्ट केस की जब हम बात कर फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब हम बेटा हमारे पास क्या है, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए एंड बी हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं बेटा, तो ए कोमा ए ये ऑर्डर पेयर इज ट्रू ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू वन। बी इज इक्वल टू वन, देखो ए की वैल्यू आपने पुट किया, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर है आपके पास, तो आपके पास ये किस कंडीशन में ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि जब हमारे पास दोनों के दोनों वन वन होंगे हमारे पास, तभी तो आएगा ना। ठीक है, इफ ए एंड बी बोथ आर इक्वल टू वन, ठीक है हमारे पास, या मैं ऐसे कहूं कि वन वन ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कब ट्रू होगा बेटा, तभी ट्रू हो सकता है जब ए की वैल्यू भी वन हो और बी की वैल्यू भी वन हो। ठीक है, और तो कोई केस नहीं है ना, जब ए की वैल्यू आप ए की वैल्यू वन के अलावा कुछ और पुट करके देखिए, फिर आपको मतलब कि मालूम पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट वैल्यूज, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये डबलट वाला केस कहीं पे आता ही नहीं है, ये डबलट वाला केस नहीं आता बेटे। भैया 34 मिनट हो गए यार, पर हाली तो बहुत लंबा चौड़ा काम पिया भैया मेरा। अब तो मतलब कि ये ट्रू नहीं हुआ बेटा। ठीक है, सेकंड केस, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब ए कोमा बी बिलोंग्स आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर तो है, अब बी कोमा ए का मतलब क्या हुआ, बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। क्या ये ट्रू है, हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, 4,2 वो तो R से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग वो कैसे करता है बेटा, A व्हाट इज वैल्यू ऑफ A 4, B के हमारे पास 2, तो अगर हम B स्क्वेयर वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू B स्क्वेयर, जो 4 है वो इसके इक्वल हो गया। बट क्या रिवर्स वाला केस है ऐसा, ठीक है, ये 4,2 R से इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो हम उसको एक्सचेंज करेंगे ना, B, A करेंगे, तो B, A, तो B इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 है, A आपके पास क्या है 4, A स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो क्या ये इक्वल है, तो नॉट, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड केस आता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, बी कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इन दोनों से इंप्लाइज क्या होता है कि ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करता है। पहले मेरे को ये रब करने दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप यहां पे मैं रुक जाता हूं 2 सेकंड के लिए, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये हमारे पास कुछ, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस में से आप कह सकते हो इसको कि ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं इसको रब करने जा रहा हूं और नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, वेट कीजिए 1 मिनट।
मैं एक बार स्टेटमेंट लिख लूँ राजे, यहाँ पे कहाँ गई स्टेटमेंट? हाँ, a इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये वाला मेरे पास फंक्शन है, थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ। बोला कि a b रिलेशन से बिलोंग करता है, b कॉमा c रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज क्या है, a कॉमा c b रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, अब a कॉमा b इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी स्क्वेयर यहाँ से आ गया, ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, इन दोनों से क्या हुआ बेटा, ये b की वैल्यू क्या है, सी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 4, ये हो गया ना, ये ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इससे ये रिजल्टेंट है गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये ऑर्डर पे रिलेशन से बिलोंग करता है तो गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग ये रिजल्टेंट आया। ठीक है, इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, ये बी स्क्वेयर है, बी की वैल्यू ये है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बेटा, तो ए इज इक्वल टू सी रेस टू पावर 4 आ गया मेरे पास। लेट बी इज इक्वल टू 4, लेट मैंने जो बी है उसको 4 के इक्वल पुट कर दिया। अगर बी इज इक्वल टू 4 है तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 स्क्वायर मतलब कि 16, तो और ए किसके इक्वल है, 6 रेस टू पावर 4, तो यहां से क्या हुआ, 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 4 विच इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ए है सी है, ए हमारे पास क्या आया है, ए इज इक्वल टू 16 एंड सी इज इक्वल टू 2, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए कॉमा सी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 2, ये चीज है बेटा। इस पर्टिकुलर रिलेशन गिवन रिलेशन पे फोकस कीजिए, अब आपके पास ए की वैल्यू कितनी आई है, 16 और सी की वैल्यू 2, ये बन गया 4, ये तो नॉट इक्वल टू है ना, ठीक है, ये तो 4 ही है। ठीक है, यहां पे ऐसे करो, यहां पे लिखिए इफ, ठीक है, a इज इक्वल टू 16 एंड c स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, a इज नॉट इक्वल टू, या आप लिखो 16 इज नॉट इक्वल टू 4 विच विल इम्प्लाइज a इज नॉट इक्वल टू c स्क्वेयर, तो विच विल इम्प्लाइज a कॉमा c बिलोंग नहीं करता रिलेशन से, तो ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन हम करते हैं 11th और 12th, ये दो क्वेश्चंस मैं जल्दी से करा देता हूं। Let F be a subset of Z क्रॉस दैट डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है ए बी, ए इंटू बी कोमा ए प्लस बी, ए एंड बी, ए कोमा बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर जेड इफ एफ इज ए फंक्शन। वो कहता है कि क्या एफ एक फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर, कि अपना आंसर भी जस्टिफाई कीजिए बेटा। ठीक है, ए बी ए प्लस बी, ये हमारे पास फंक्शन है, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू जेड, लेट ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बनने वाला है, ये तो ऑर्डर्ड पेयर है ना बेटा, गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ब्रैकेट ही हमें क्या कहता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन पता लग जाती है, हमें मालूम पड़ जाता है कि ऑर्डर पेयर है। तो क्या हुआ, फंक्शन क्या हमारे पास बना, एफ इज इक्वल टू, ये पुट करोगे 2 इंटू 3, ये 2 प्लस 3, तो मेरे पास क्या बना, 6.5। नाउ लेट ए इज इक्वल टू 6 बी इज इक्वल टू 1,
तो फंक्शन मेरे पास क्या बना, 6 × 1, 6 + 1 मेरे पास क्या बना, 6, 7। तो अब मेरे पास ये देखिए कि जो हमें पूछा जा रहा है फंक्शन बेटा, अब फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो दो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आए उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो फंक्शन मतलब कि जिसको चेक करना हमें फंक्शन है या नहीं है, उसकी कंडीशन में जो दो ऑर्डर पेयर हमने बनाए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल लेके उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या ये फंक्शन है या नहीं, नहीं है ये फंक्शन, ठीक है। 11th, ओके, नो, वो आप लिख सकते हो, वो आप खुद लिख दोगे कि टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर जो हमारे पास अवेलेबल हुए हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट 12th, क्या कहता है, लेट ए, आपको एक ए सेट गिवन है एंड लेट एफ ए अप्रोचेज एन बी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ए आपको सेट गिवन है बेटा, सेट ए इज गिवन एज 9, 10, ठीक है, एफ ए अप्रोचेज एन, जो एफ एन है वो किससे डिफाइन होता है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। तो सबसे पहले 9 देखिए बेटा, एन की वैल्यू 9 पुट किया तो आप जो 9 है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे 3 × 3, ठीक है बेटा। अब 9 × 1 बात बोल रहा, 9 प्राइम नंबर नहीं है बेटा। नेक्स्ट 10, 2 × 5, ये आप या आप इसको ऐसे कर लीजिए कि इसको अभी एफ इसको मत लिखिए, आपने सिर्फ 9 के फैक्टर किए, 10 के फैक्टर मतलब कि प्राइम फैक्टर किए हैं अभी आपने, ठीक है। अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन हमने बताना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन क्या होएगा, वही उसने हमसे पूछा है कि रेंज ऑफ एफ, जो एफ एन है और एन कहां से बिलोंग करता है, यहां से बिलोंग करता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट सबसे बड़े वाले। देखो बेटा क्या चीज है इसमें, हाईएस्ट 3 है, दिस है 3 है और यहां पे 13 है, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सा आया बेटा, 3, 5, 11, 13, ये चीज है बेटा, ठीक है। और जो n है